आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का छठा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइडी चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकॉन को ऑल क्लिक करना है, वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक करना है और शेयर भी करना है। यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राउंडर यानी कंपास, स्केल और पेंसिल इस ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। अब हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह सभी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उसका अच्छी तरह से आपको ऑब्जर्वेशन करना है और उस क्वेश्चन को समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एग्जांपल 6, टू कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल इट्स हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड बीइंग गिवन। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ इट्स हाइपोटेन्यूज बीइंग 7.8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन साइड मेजरिंग 6.2 सेंटीमीटर। हिंदी प्रश्न विभाग 4, समकोण त्रिभुज रचना। उदाहरण 6, विकर्ण और एक भुजा दिए गए हैं, उससे समकोण त्रिभुज बनाइए। प्रश्न, विकर्ण 7.8 सेंटीमीटर और एक भुजा 6.2 सेंटीमीटर है, उससे समकोण त्रिभुज बनाए। मराठी प्रश्न, कर्ण 7.8 सेंटीमीटर व एक बाजू 6.2 सेंटीमीटर असणारा काटकोन त्रिकोण काढ़ा। इस प्रकार से तीन लैंग्वेज में हमने यह क्वेश्चन देखा है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विकर्ण यानी कर्ण, उसे निकालना है। यहाँ पर हमें कर्ण दिया गया है 7.8 सेंटीमीटर, तो उसे हमें पहले निकालना है। यहाँ पर हम विकर्ण निकालेंगे 7.7 और ये 7.8। इस मेजरमेंट को, डिस्टेंस को आपको केयरफुली लेना है, यहाँ गलती नहीं करना है। ये बी, इस विकर्ण का जो डिस्टेंस है वो है 7.8 सेंटीमीटर। इसे यहाँ पर नोट करना, लिखना नहीं भूलना है, इसको भी मार्क रहते हैं। बच्चों, प्रश्न में दिए गए अनुसार हमने विकर्ण 7.8 सेंटीमीटर लिया है। उसके बाद हमें राउंडर लेना है, कंपास लेना है। इस कंपास का स्टील वाला पॉइंट ये पॉइंट पर रखकर ए बी से थोड़ा कम डिस्टेंस हमें इस राउंडर में लेना है। यह डिस्टेंस हमें अप्रोक्सीमेटली लेना है नीचे ए बी लाइन के नीचे, और ए बी लाइन के ऊपर हमें दो आर्क बनाने हैं। उसके बाद यही डिस्टेंस से इन दोनों आर्क पर और दो आर्क बनाने हैं। इस प्रकार से ये दोनों आर्क एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर गए हैं, वहाँ पॉइंट लेना है और इस दोनों पॉइंट को लाइन से जोड़ना है। इस प्रकार से ये जो लाइन है ए बी लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर गई है, वहाँ पर पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को नाम देना है यम। इस प्रकार हमने ए बी लाइन के इक्वल दो पार्ट बनाए। इसे मराठी में रेशा विभाजन, रेशा दुभागा ऐसे बोलते हैं। अब हमें राउंडर कंपास की मदद से यहाँ पर एक हाफ सर्कल बनाना है। उसके लिए यम पॉइंट पर स्टील वाला पॉइंट रख के ये इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है, राउंडर में लेना है, और यहाँ पर एक हाफ सर्कल बनाना है। इस प्रकार से
हाफ सर्कल बनने के बाद क्वेश्चन में हमें एक भुजा 6.2 सेंटीमीटर दी गई, तो कंपास में हमें 6.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है। ये 6 और ये 6.2, ये 2 पॉइंट यानी 2 मिलीमीटर, इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर ये पॉइंट पर कंपास के स्टील वाले पॉइंट को रखकर यहाँ पर इस हाफ सर्कल के ऊपर एक आर्क बनाना है। इस प्रकार से इस आर्क ने इस हाफ सर्कल को यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर हमें नाम देना है सी। अब हमें लाइन एसी को जोड़ना है, बनाना है, इसलिए हमें ए और सी पॉइंट को लाइन से जोड़ना है। इस प्रकार से उसके बाद बीसी जोड़ना है और उसके बाद एपी लाइन को थोड़ा हम डार्क बनाएंगे। इस प्रकार से हमने एबीसी इस त्रिभुज को बनाया है। यह हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज यानी यहाँ पर हमें ऐसे प्रोटेक्टर को लगाने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मिला है, इसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समभुज त्रिकोण, मराठी में समभुज त्रिकोण और इंग्लिश में राइट एंगल्ड ट्रायंगल हमने यहाँ पर बनाया। बच्चों, आज का यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया तो जरूर कमेंट करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।